हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेंट्रल। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यह जो होते हैं सिमाल होते हैं, ठीक है, सेंट्रल सिमाल होते हैं और हॉलो सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंडर होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसकी जो कंपोजिशन है वो माइक्रो ट्यूबल से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब यह स्ट्रक्चर है सेंट्रल का, ठीक है। अब इसमें छोटे से पाइप्स होते हैं जो कि माइक्रो ट्यूबल्स के बने होते हैं, ठीक है। अब ये थ्री माइक्रो ट्यूबल्स बन मिलकर क्या बनाते हैं, ट्रैपलेट। ये जो थ्री पाइप हैं जो माइक्रो ट्यूबल्स हैं इसको हम कहते हैं ट्रैपलेट माइक्रो ट्यूबल्स। अब इस सिलेंडर में, इस सेंट्रल में क्या होता है कि ये ट्रैपलेट जो हैं इसके सेट होते हैं, नाइन सेट इसमें मौजूद होते हैं। जैसा कि ये एक सेट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है, ये चौथा हो गया। इसमें नाइन ऐसे सेट होते हैं, ट्रैपलेट के सेट होते हैं। तो अगर हम इसको नाइन सेट से और मल्टीप्लाई करें ट्रिपलेट से, तीन से, तो ये बनते हैं 27 माइक्रो ट्यूबल। पेयर में होते हैं और परपेंडिकुलर में होते हैं, ठीक है। ये देखें तो ये एक हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये परपेंडिकुलर है, 90 एंगल पे हैं ऐसे हैं, ठीक है। अब जब सेल डिवीजन होती है तो क्या होता है कि ये जो है इसकी रिप्लिकेशन होती है, इसकी कॉपी बन जाती है और इसके साथ आ जाती है। अब हमारे पास एक जो कन्फ्यूज़न होते हैं कि सेंट्रिज्म क्या है। जो सेंट्रल की पोजीशन है, ठीक है, ये जो पोजीशन है सेंट्रल की, इसको हम कहते हैं सेंट्रिज्म, ठीक है। यहाँ ऐसा समझे कि ये जो सेंट्रल है और एक ये सेंट्रल है, ठीक है। इसके बीच में क्या आता है, न्यूक्लियस आ जाता है, इसकी वजह से हम इसको कहते हैं सेंट्रिज्म, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेंट्रिज्म और सेंट्रल में क्या फर्क होता है। इसके अलावा इनका फंक्शन देखेंगे, इनका फंक्शन क्या होता है। तो ये जो सेंट्रल है, ठीक है, इसके अंदर छोटी सी थ्रेड्स होती हैं, इसको हम कहते हैं क्या, एस्टर, ठीक है, एस्टर, एस्टर रेज। एक रेज पैदा होती है, अराइज होती है, जिसको हम कहते हैं एस्टर, ठीक है। जब सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि ये जो कॉपी है यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, इसकी कॉपी होकर यहाँ पर आ जाती है, अपोजिट साइड में आ जाती है, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो डिसअपियर हो जाती है। फिर क्या होता है कि ये यहाँ पर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है, और अब ये जो इनका फंक्शन ये होता है कि ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। फंक्शन इसका क्या है, फंक्शन इसका है सेल डिवीजन में, ठीक है। इनका काम क्या होता है, सेल को डिवीजन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसके पास जो है एक लॉन्ग थ्रेड्स पैदा होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। लॉन्ग थ्रेड एक पैदा होते हैं, निकलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ जो है एक दूसरे का साथ मिलते हैं, ठीक है, जैसा कि ये एक साथ मिल गए और यहाँ से भी मिल गए, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, जैसा कि ये मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ, ये स्पिंडल फाइबर होते हैं। अब ये सेंट्रल क्या करते हैं कि स्पिंडल फाइबर को एक फोर्स देते हैं, अट्रैक्शन फोर्स देते हैं, ताकि ये जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से अलग हो जाए, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ ये कैसे अलग होता है, ठीक है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये जो पार्ट है क्रोमोसोम का,
ये अलग हो गया। ठीक है, इनका काम क्या होता है, क्रोमोसोम को अलग करना होता है, या क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड्स है उनको अलग करना होता है। इनका यही फंक्शन होता है कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, क्या होता है और वो कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।